नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और 72वां जन्मदिन राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है और हम सीधे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे थे लालू, क्या थी आपकी यादें उनके साथ। लालू जी आज यहाँ बर्थडे में नहीं है, कैसे थे लालू जी? लालू प्रसाद जी के जो जेपी आंदोलन, तब से उनके साथ हम हैं, तब से उस समय से हम स्टूडेंट लाइफ से है। लालू प्रसाद जी मनेर के जो राखल टोला में इमरजेंसी में बैठक करने गए थे और पुलिस ने घेरा और उसमें कई नेता जेपी आंदोलन के लोग थे। उस समय से मैं हमारे मामा के यहाँ खड़े थे दानापुर दियारा में, उस समय से जानते हैं। वो गरीबों के बीच के आदमी हैं, गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए हमेशा जीवन में संघर्ष किया। गरीबों के लड़ाई लड़ने के कारण ही आज लालू प्रसाद जेल में है और लालू प्रसाद जी को आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर उनको मिलने का अनुमति भी नहीं दिया राज्य सरकार ने। बाध होकर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और आज मना रहे हैं धूमधाम से, आप देख ही रहे हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेज प्रताप के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और 2020 में जो होने वाला विधानसभा में वो भारी बहुमत से महागठबंधन को लोगों जिताने के खर्चकर्ता जो है हम संकल्प लिए हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके साथ क्या यादें जुड़ी हुई थी लालू प्रसाद यादव की, और सवाल यही हमारा कैसे थे लालू? लालू यादव जी से हम लोग 1988 से जुड़े हुए हैं, जिसे जहना लोक दल था, लोक दल से फिर जनता दल बना, जनता दल के बाद सामाजिक न्याय के परिवर्तन के रूप में 1990 में लालू जी शपथ लिए मुख्यमंत्री। हम लोग 88 से आज तक लालू यादव की जितने भी लड़ाई हुआ, जितने भी संघर्ष हुआ, उस लड़ाई में हम लोग साथ रहे और लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक बिहार में क्रांति, सामाजिक परिवर्तन किए। परिवर्तन करने के कारण जो समाज के अन्यायी लोग था उसको नहीं भाया, उसके चातक अनेकों प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को एने केने प्रकार से फंसाने का काम किया, जिसके लिए बिहार के 10-11 करोड़ जनता जो है आज जो है लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं। इसके कारण आज बिहार की जनता करा रही है, उसके लिए हर घर में मातम है और लोग अपने अपने घरों में जहां भी है लालू प्रसाद यादव जी के 72वां जन्मदिन मना रहा है और आज यहां पार्टी के कार्यक्रम में मनाया जा रहा है, चूँकि लालू जी के बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है। अच्छा, संदेश लालू जी के लिए क्या, लालू जी का संदेश होता था उसको कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोग जन-जन? आज हम लोग 72वां जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पूरे बिहार में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और सबों ने ये संकल्प लिया है कि लालू जी के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाएं और सामाजिक न्याय, गरीबी की जो लड़ाई है, गरीबों को जो उन्होंने आवाज़ दिया था जिसके कारण आज वो परेशानी झेल रहे हैं, जैसे नेल्सन मंडेला जब गरीबों की लड़ाई लड़े तो उनको जो है 27 बरस तक वहाँ के हुकूमत ने जो है कि बंदी बना करके रखा। आज इस देश में न्याय के द्वारा जो जुर्म हो रहा है इनके साथ, आज हम लोग जो है कि संकल्प लिए हैं कि गांव-गांव में इनके संदेशों को पहुँचाएँगे और 2020 में एक मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई हम लोग जीतेंगे। क्या संदेश क्या है आपका, आज 72वां जन्मदिन है, देखिए लालू उत्साहित थे आपके साथ? लालू प्रसाद यादव जी एक व्यक्ति नहीं है, उनका विचारधारा है। आज उन्हीं के विचारधारा पर बिहार के तमाम नौजवान युवा पूरे खेत में, खलिहान में, गांव में काम करने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जब 1990 में इस बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वैसे वंचित समाज को आगे लाने का काम किया जो मुख्य धारा से काफ़ी दूर थे, उस सब समाज को इन्होंने सम्मान दिया। भगवतिया देवी, एक पत्थर फोड़ने वाले मुसहरनी के बेटी को भी भारत के सबसे उच्च सदन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही भेजने का काम किया। फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक जी, उनको भी लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री बनाने का काम किया। शिवचंदर राम हमारे पार्टी के नेता, उनको भी
लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री बनाने का काम किया। इसे ये दर्जनों ऐसे उदाहरण है जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्य धारा में आगे लाने का काम किया और सजा क्या मिली उनको, समाज के धारा को उन्होंने विकास करने का काम किया। लेकिन वैसे लोग एक सामंती ताकत समाज मनुवादी सोच के लोग लालू प्रसाद जी को कहीं कहीं पसंद नहीं आए और उसी को साजिश के तहत आज उनको जेल में बंद करने का काम किया गया। आज बिहार में दर्जनों ऐसे घोटाले हैं, सृजन घोटाले हैं, मुजफ्फरपुर होम्स घोटाले हैं, आप बताइए इसमें कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं उनको कहीं भी अभियुक्त नहीं बनाया जा रहा है। और जबकि बिहार का जो चीफ मिनिस्टर फोन रुपेन से इस घोटाले के जवाबदेही हैं उनकी और उनकी मिली भगत है, तो निश्चित रूप से आज के दिन हम नौजवान साथियों को आज हम लोग संदेश भी देना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा वो भले जेल में है लेकिन लाखों कर्जकर्ता को उन्होंने लालू बना दिया है और उसी के कारण आज लाखों कर्जकर्ता उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। और 2020 के चुनाव में स्पष्ट तौर पर जो उनके विचारधारा है वह स्थापित होने का काम होगा और बिहार के मुख्यमंत्री नौजवान युवाओं के धड़कन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई लीडर नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में जो नेतृत्व क्षमता है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में बिहार के वह मुख्यमंत्री होंगे और एक बार फिर से गरीब का राज होगा, गरीब विकास करेगा, गरीब आगे बढ़ेगा। कितना इंतजार रहता है दिन का कि लालू प्रसाद का जन्मदिन आने वाला है, क्या तैयारी रहती है? ये देखिए प्रति साल हम लोग इसको मनाते हैं और एक साल तक हम लोग इंतजार करते हैं। दुख थोड़ा सा होता है कि आज हमारे साथ हमारे नेता नहीं हैं, बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थोड़ी भी नहीं है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ इस जश्न को मना रहे हैं जो आप प्रत्यक्षदर्शी है और देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमारा जरा सा भी ईमान जो है या अपना कर्मठता भूले नहीं है और सारे कार्यकर्ता हमारे कर्मठता के साथ इस जोशो खरोश में ये 72वां जन्मदिन 72 पाउंड केक काट करके उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि कैसे थे लालू। हमने शुरुआत में ही सवाल पूछा था कि आपको हम ये बताएंगे आखिर लालू प्रसाद यादव कैसे थे। बहरहाल आपको तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका जवाब सुन ही लिया होगा कि आखिर लालू प्रसाद यादव कैसे थे। आपको बता दें कि 72वां जन्मदिन पार्टी ऑफिस में आज मनाया गया है। लालू प्रसाद यादव 72 साल के आज हो गए हैं। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, कैमरा पर्सन राष्ट्रीय लक के साथ, मैं तनवीर आलम, हेडलाइंस बिहार।